गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल संतोष कुमार सिंह वीडियोस। और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं मार्वल एज टूर पार्ट टू। तो आज हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे आशी? आज हम लोग हमारा नया घर देखने जाएंगे। चलो, एक नया घर बना रहे हैं जिसका हमने आपको दीवारें दिखाया था या फिर आपने देख ही लिया होगा उसका पूरा फ्रेम, पर हमने अंदर से नहीं दिखाया, तो आज हम लोग आपको अंदर से दिखाएंगे। चलो, तो हम अपनी काउस को एक बार फिर से दिखा देते हैं। काउस एंड ऑल, सब कुछ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, काउस, ये हमारा ट्रैक्टर, और बहुत लोगों ने हट नहीं देखा होगा, पिछली वीडियो में भी दिखाया था, इस बार भी दिखा देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे, मतलब क्योंकि गोबर उठाया जा रहा है, हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो काउस को भी रहना पसंद होगा ना। और फिर ये देखिए, अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हाँ, इधर हो रही है, पहले वो थे सुन लोगों ने पहले ब्राउन किया, उसके बाद ब्लैक पे आ गए और फिर हम लोग अंदर आए हैं। तो ये हाँ, मतलब पूरा काउस के लिए, क्योंकि ठंड में काउस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये काउस और जैसे कि अनाज का स्टोरेज, ऑलरेडी वीट, राइस, ये सब, हाँ एक तरह से स्टोर हाउस। और ये दरवाज़ा, मतलब जिस क्योंकि चूहे बहुत होते हैं विलेजेस में, उसके हिसाब से बहुत सही डोर है, वैसे डोर को वो लोग काट देते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे काउज ही बांधी जाती हैं, इसका उद्घाटन काउज ने ही किया है। और वो देखिए अंकल वहाँ पे हमारे, हेलो अंकल, जंगला पेंट कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो काम में। और फिर इधर लगेगा हैंड पंप, ये देखिए अभी पूरा अच्छे से वो हुआ नहीं है। और अब हम लोग इधर जा रहे हैं, तो ये देखिए गेट, और वो देखिए कुछ ज़्यादा प्रेस मत करना, कुछ टिका हुआ है यहाँ पे, पता नहीं जो भी हो। और यहाँ के जंगले पेंट हो चुके हैं और ब्लैक से होंगे, हो सकता है। और यहाँ पे रखा जाएगा हमारा अनाज, और जो पिछला रूम दिखाया उसमें भी अनाज रखा जाएगा। और जब गर्मी आएगी तो गाय इधर नहीं रहेंगी, इधर अभी ठंडिया तो हम लोग गाय को रख रहे हैं, पर जब ठंडिया चली जाएंगी तो ये देखिए इधर एक दीवार बनेगी और इधर पूरा अनाज होगा। हाँ, और ये हम लोग अपना प्लेइंग एरिया बना लेंगे। और ये दो एंट्रेंस है, हम लोग ने आपको पिछली बार उधर वाली बगिया दिखाई थी, तो उधर से भी आप आ सकते हैं। चलिए, हम लोग आपको, ये गेट लॉक है लेकिन इस गेट का व्यू पीछे से दिखा कर आते हैं। चलो, तो भाई अब हम बढ़ रहे हैं अपनी बगिया की तरफ, जो हम आपको दिखा चुके हैं, बट फिर भी जैसे कि बालू, पत्थर और बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर दी गई हैं, ताकि क्योंकि हम लोग यहाँ पे खेलने आते हैं तो हम लोग को चोट ना लगे, इस वजह से हाँ। और हमारा एक न्यू चैनल है फन विद किड्स अनलिमिटेड, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। ये देखिए, ये वही गेट है जो हमने आपको अंदर से दिखाया था, मैं थोड़ा पीछे से व्यू लेती हूँ। बहुत मस्त लग रहा है मुझे ये गेट, स्पेशली इसका डिजाइन ऊपर का। और ये देखिए पाइप्स एंड ऑल। और इधर अब आपको दिखाते हैं हम लोग, और हम लोग इधर से आप लोग को ले चलते हैं अपनी बगिया की तरफ, जो हमारे पास टोटल 6 बगिया है, जो कि सारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर जो जिसमें हम हैं वो छोटा है। और ये देखिए यहाँ पे पड़ा है एक ट्रैक्टर का पार्ट, जो कि मोस्टली खेतों में यूज़ होता है। ये अभी ख़राब हो गया, हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं, जो आपने अभी देखा था। हाँ, जो कि जुताई में काम आता है, जो कि हाँ। और ये ओल्ड है और न्यू खरीद चुके हैं हम लोग। हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी बगिया की तरफ, दूसरी और तीसरी दोनों आमने सामने, ये सबसे अच्छी बात है, यू नो। और ये देखिए तीसरी वाली बगिया बहुत बड़ी है। वाह वाह, हमारे फ्रेंड्स को हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो ना। वो कौन है, अपेक्षिता? यूट्यूब फैमिली। बाबा शर्मा रहे हैं। तो बाबा को कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है। पापा का क्लिनिक का सेट तो हमने आपको करा ही था। और यहाँ पे ये लोग हैं, ये है चिंपू शिंपू रिंपू, इसने इसका नाम रखा है क्योंकि खुद ही एक चंपू है, तो अपने से रिलेटेड ही रखेगी ना। और ये है चिक्का का घर, वीकेंड से जो कि हमारे घर पे रहता है और वो साफ सफाई करते हैं। अरे वो हम कह सकते हैं कि मेंटली अब्यूज्ड है।
मेंटली अब्यूज नहीं, मेंटली मतलब डिस्टर्ब्ड। हाँ, मैं सरल वर्ड में कहा था तो वो पागल, वो चक्का पागल है, पागल है, पागल है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे गोट्स बहुत सारी हैं, ये पूरा कचरा का बड़ा, और वहाँ पर है ट्रॉली, पूरे पत्तियाँ देख रहे हैं, सारे चिक्काने बटोरी हैं। और ये जब रात में अगर मान लो हमको ठंड लग रही है तो हम इसको जला सकते हैं। ये हमें टूटी फ्रूटी ट्रॉली, और हमने अभी न्यू ट्रॉली ले ली है। हाँ। नहीं लेने वाले हैं, मतलब ले ली नहीं लेकिन से लेने वाले हैं। और वैसे हमारा ट्रॉली हाउस है, अगर कभी ये सब लोग उधर आ गए तो ये ट्रॉली उधर के साइड पलट जाएगी, तराजू पलट जाता है ना ऐसे, ट्रॉली पलट जाएगी और फिर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो सकता है। महतरमा आप नीचे आने का कष्ट करेंगी? इसमें ऊपर आने का चार रास्ते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ, उसका टूर मैं करवा देती हूँ। एक तो ये जहाँ से ये आ रही हैं, और एक ये जहाँ से एक गई थी, और ये तो बहुत ही सिमिलर है कि उधर से भी अगर इधर से रास्ता है तो उधर के टायर से भी रास्ता होगा। जी हाँ। और एक पीछे से हम लोग चढ़ जाते हैं, चले अब गार्डन का भी कुछ दिखा दें। यहाँ पे देखिए कितनी सारी गोट्स हैं, और ये हमारा गार्डन है, और ये भी हमारा गार्डन है, उधर फील्ड है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को शूट किया है। तो वही हम लोग पहुँच गए हैं, हम लोगों ने एंट्री ले ली है, और ये मतलब वो वाले से ही बहुत साफ़ सुथरा है, वी कैन से साफ़ सुथरा। अभी चिक्का आया नहीं है, जब वो आएगा तो वो यहाँ की सारी जितनी भी लीव्स आप देख रहे हैं ना वो सब साफ कर करके उसी प्लेस पे वापस से कर देगा। हाँ, और ये देखिए ये इसका फ्रंट यार्ड है। वी कैन से बहुत सारे ट्रीज हैं, और ये चिक्का का दूसरा घर है जिसमें वो अपनी सारे सामान को रखता है, मतलब ऐसा। इसमें आपको मैं व्यू दिखाती हूँ चल के, अंकल को दिलाया गया था। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी, और क्योंकि वो आस्थमा के पेशेंट थे लेकिन, तो इसकी वजह से उनको मतलब ब्रीथिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अरे मम्मी मुझे डर लगता है इस घर में, देखिए आप देख लीजिए आप ज़रा, अरे फ्लैशलाइट ऑन करो। और ये देखिए हमने फ्लैशलाइट ऑन किया तब आपको दिख रहा है कुछ भी, इसमें देखिए कैसे भर के रखा है। तो हमने इसका व्यू तो दिखा दिया, अब हम पहले हमने इसका व्यू तो आपको दिखा दिया है। ये हमारा फर्स्ट गार्डन, और यहाँ ये जो आप समाधि देख रहे हैं, लेट्स गो एंड पॉइंट इट, ये जो आप समाधि देख रहे हैं वो बाबा जी की है, जो कि बहुत ही अच्छे थे। देखिए कितनी है, गाले बनाती है तो हम लोग इसको साफ कर देते हैं कभी कभार, जाला बाद में, चलो दूसरा भी दिखाना है वो देखिए। ठीक है, सामने हमारी दूसरी बगिया। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, और ये देखिए यहीं पे बिल्कुल स्टार्टिंग पे, जो स्टार्टिंग का ट्रीज पे है, बहुत सारी लाल चींटियां। आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं फिर में रुकी है, मैं थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ, जूम किया था। ये देखिए, ये जो आपको कुछ रेड रेड सा दिख रहा होगा ये वही है, और अगर ये ऊपर चढ़ जाती है तो ये छोड़ती नहीं है। और अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो इधर इसको ये बासुर का पेड़ है, और हमारी ये वाली जो मतलब गार्डन है ये बहुत नीट एंड क्लीन नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी झाड़ू मतलब जैसे वो एक बड़ा सा होता है ना उससे बना लेते हैं जिससे आप लीव्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे चिका कभी जब 1 मंथ के बाद लगाता है, लेकिन उस बगिया में क्योंकि उसका घर है वहाँ पे वो रोज़ लगाता है, रोज़ लगाता है। और ये और यहाँ बहुत सारे सांड आते हैं, ये जगह उनको सेफ लगती है। लेकिन अगर आप रात को उधर सो जाओ तो अगर आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाओगे तो आप देखो कि आप पूरा सांड से सराउंडेड हो, या तो वो आपको रात में ही दफा दफा कर देंगे। बहुत मतलब सांड से पीछा छुड़ाना बहुत ही टफ होता है। और यहाँ पे मोस्टली हमारे पास है मैंगो ट्रीज और सागवान के पेड़। ये वाला ये बहुत सारे मैंगोज लगते हैं, हम लोग सारे तोड़ तोड़ खाते हैं। हाँ, और अगर हम लोग नहीं तोड़ पाते तो मैं जैसे अगर वैसे तो हम लोग चढ़ जाते, जैसे इस तरह के पेड़ है तो हम लोग चढ़ लेंगे इस पे, लेकिन अगर ऐसे वाले हैं तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो हम लोग ना ये देखिए ये चढ़ने भी जा रही है, एक गिरेगी तो हड्डी बछड़ी एक हो जाएगी।
नीचे उतरो। तो ये देखिए ये उतर रही है पर थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई। और यहाँ पे इकलिप्टस का पेड़ है जो कि इम्पॉसिबल होता है। हाँ जो कि मतलब जो जैसे हमें अगर हमें बगिया वो रेक्टेंगल शेप की है एक तरह से हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो इसकी पहले पहले सराउंडिंग सारी इकलिप्टस से होती हैं, उसके बाद सागवन आम का पेड़ और ये सब आते हैं। और इसमें एक नीम ट्री है वरना तो इसमें गर्मी, और जैसे मैं आपको बताई थी, मैं भूल गई वो पॉइंट, तो इस तरह के पेड़ पे हम लोग नहीं चढ़ पाते हैं। तो इस तरह के पेड़ पे ये देखिए क्यों नहीं चढ़ते, चढ़ तो हम लोग हर जगह ले पर ये लाल चींटियाँ हैं ना चढ़ने नहीं देती। और तो इस वजह से हम यहाँ पे हम लोग अगर जैसे हम लोगों ने बाबा से बोला था ना, वो हमारे बाबा हैं तो आप लोग जान ही गए होंगे, हम लोग दादाजी नहीं बोलते बल्कि बाबा बोलते हैं, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी को भी इसके ऊपर चढ़ा के मतलब तुड़वा ही देते हैं हम। और मैं बता दूं कि मैं खट्टी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही शौकीन हूँ, तो आम तो मैं कह तो भाई आम देख के अपनी आंखों के सामने मैं कैसे रह लूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो यही पानी आ गया और आम का नाम मत लेना, ठीक है। और अपने घर से यहाँ तक कि हमने हम लोग ने विलेज टूर बोला था, बट विलेज टूर हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करवाएंगे पार्ट 3, क्योंकि वैसे ही वीडियो 12 मिनट्स की होने वाली है, तो इतनी लंबी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आप लोग के लिए देखना। वरना तो वो देखिए सीधी रोड जा रही है, हम लोग जा सकते हैं। और जिन लोग को विलेज से प्यार है वो तो ज़रूरी लाइक करिएगा ये वीडियो, लाइक करना पड़ेगा। और जिन लोगों को बहुत मन है विलेज देखने का तो आप हमारी वीडियोस देखिए, और जब ये कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब आप विलेज घूमिएगा, क्योंकि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये सब तो आप देख चुके हैं, तो चलिए अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले चलो, और ये तो हो ही जाए 20 मिनट्स की, हम लोग चलते हैं अपने मतलब यहाँ पे हमारे एक नेबर हैं जो कि नेबर क्या बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हैं। पता जब हम लोग छोटे थे तो हम उनके घर पूरे पूरे दिन रुकते थे, इनफैक्ट मैं तो रात में सोई भी हूँ। अब उनकी बेटी हो गई है तो वो हमारे घर पूरे पूरे दिन रुकती है। हाँ बहुत प्यारी है, मनी है इसका नाम। अरे आपने उसको वीडियोस में देखा है, बहुत क्यूट है मनी और युग भाई। तो ये देखिए स्कूल का नाम है आराध्या, यहाँ पे, और ये है देशराज। हाँ इनके घर पे एक तरह से लेबर है। वो देखिए यहाँ पे मतलब जैसे हमने ऐसे कुछ किया था, तो ये देखिए यहाँ पर है गाय, बहुत बदबू आ रही है। और यहाँ पर भी चलो अब यहाँ से चलते हैं, ये हम आपको होम टूर भी करवाएंगे, तो चलो भाई। और ये देखिए ये है हमारे पास हिबिस्कस फ्लावर, ये हिबिस्कस। हाँ ये बात भी सही है, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इधर भी तो दिखा लेने दो। और ये देखिए पूजा हुआ निकल के एक्चुअल में आ ही गई, ये देखिए ये है यहाँ पे आने का रास्ता, कोई निकल के दिखाओ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी प्लांटेशन की गई है, जैसे नॉर्मली आप वेजिटेबल्स जो कर सकते हो। और यहाँ पे है वॉशरूम आउटसाइडर्स के लिए, ये अभी ये वाला कंप्लीट होने वाला है, और ये कंप्लीट हो चुका है, ये आउटसाइडर्स के लिए है, और इनसाइड वाला इनसाइड ही है। और यहाँ पे ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, खट्टी चीज़ों का पेड़ अंबार का पेड़ है। ये देखिए यहाँ पे पड़े भी हैं, कहाँ गए मैंने देखे थे अभी, ये देखिए ये जो आपको दिख रही है ना ये उठा दें। हाँ उठा, नहीं नहीं टच मत करो, मैं ऊपर जाती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। आपको कुछ दिख रहा होगा एक भी, हाँ ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ख़राब हो चुकी है क्योंकि इनका सीज़न नहीं है भाई। और जब चलो बाहर चलते हैं, सबका फेस तो आपने देख लिया, योग आशी मेरा भी कोई दिखा दो भाई। तो गाइस आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इनफैक्ट मेरी उंगलियां दर्द होने लगी कैमरा को पकड़े पकड़े,
हाउ वीक हाउ वीक। जब तुम ना 13 मिनट्स एक ही एंगल में कैमरा को पकड़ के घूमोगी चारों तरफ, देन आई विल से हाउ वीक। ओके गाइस, तो अब हम फिर से फ्लिप करते हैं और दूसरी जगह चलते हैं।